हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ आर एन रोहिया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, बीएससी पार्ट थर्ड। दिस टॉपिक इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज द पार्ट 8। हम इस पार्ट के अंदर एल्काइल लिथियम क्या है? लिथियम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। हम इसकी रिएक्शंस कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको पार्ट 7 में 4 रिएक्शंस, 1, 2, 3, 4 4 रिएक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। हम यहां पर 5th रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड। यहां किसकी रिएक्शन हो रही है? एल्काइल लिथियम की रिएक्शन होती है और एल्काइल लिथियम कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, दिस इज द एल्डिहाइड एंड दिस इज द कीटोन, राइट? कार्बोनाइल कंपाउंड आइदर एल्डिहाइड और कीटोन, राइट? इसके साथ यहां पर एल्काइल लिथियम की रिएक्शन होती है। तो बच्चों, एल्डिहाइड में किस तरह रिएक्शन होगी? यहां पर दिस बॉन्ड इज पोलर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर। यहां पर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून होगा और ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, सो दैट दिस लिथियम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ये यहां पर आ जाएगा एंड दिस इन द फॉर्म ऑफ कार्बेनियम यहां पर आ जाएगा एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, राइट? इस इंटरमीडिएट का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस करने पर इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ LiOH एंड OH, राइट? यहां पर ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 2 कार्बन एटम, राइट? सो दिस भाई ये कार्बन से मतलब है जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप, दिस कार्बन इज अटैच्ड विद द OH ग्रुप डायरेक्टली, सो दैट दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद 2 कार्बन एटम, सो दिस इज द सेकेंडरी एल्कोहल, राइट? ये जो LiOH बनता है बच्चों, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, कौन कौन से? Li, Na, K, Rb, CS, Fr, इनके साथ। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड, Li माइनस, Li प्लस, Li प्लस, नेवर माइनस, Li प्लस, OH माइनस, लिथियम हाइड्रोक्साइड। नाउ फर्दर दिस, अगेन सेम रिपीटिशन, व्हाट वी आर टेकिंग, दिस इज द कीटो ग्रुप, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, दिस कीटो ग्रुप रिएक्ट विद एल्काइल लिथियम सेम वे जैसा यहां पर होता है। हियर दिस बॉन्ड इज पोलर, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दैट दिस एल्काइल ग्रुप कम्स टू दिस इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एंड दिस लिथियम प्लस, इट कम्स टू द ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ इंटरमीडिएट, राइट? अगेन सेम वे दिस इंटरमीडिएट ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स टर्शियरी एल्कोहल, मतलब कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड विद द OH ग्रुप इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन, दिस इज द टर्शियरी एल्कोहल एंड फर्दर फॉर्मेशन ऑफ LiOH, क्लियर? इन द नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज द 6th रिएक्शन, राइट? वी आर यूजिंग हियर दिस डाई फिनाइल इथाइलिन, राइट? किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ। बच्चों, एन ब्यूटाइल लिथियम, दिस इज द एन ब्यूटाइल लिथियम, दिस इज द एन ब्यूटाइल लिथियम, दिस इज द एन ब्यूटाइल लिथियम, राइट? 1, 2, 3, 4 यहां लिखा है नॉर्मल, एन का मतलब स्टेट चेन, सो दैट दिस बाई फिनाइल डाई फिनाइल इथाइलिन। बच्चों, फिनाइल इज ए ऑर्गेनिक लिगेंड, है ना? तो ऑर्गेनिक लिगेंड्स में बाई भी यूज करते हैं, बाई, ट्राई, ट्रिस, टेट्राकिस, राइट? हियर दिस इज डाई फिनाइल इथाइलिन रिएक्ट विद दिस। नाउ यहां पर इस बॉन्ड में चार्ज का सेपरेशन होगा। अब चार्ज का सेपरेशन होगा, दिस विल बी नेगेटिव, व्हेन दिस इज नेगेटिव देन इट गोज हियर, राइट? एंड दिस दिस एन ब्यूटाइल ग्रुप
goes to this. तो formation क्या हो गया यहाँ पर? PH2 phenyl हो गया, C6H5 hold twice. C यहाँ पर butyl attach है, then further CH2 and Li. देखो बच्चों क्या होता है कि यहां पर ये एक स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन जब ये किसी ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड के कांटेक्ट में आता है जो कि क्या है, पोलर, जिसमें पोलर बॉन्ड है, चार्ज का सेपरेशन है. मैं इसको आपको इस तरह से समझाता हूं कि रिएक्शन शुरू कैसे होती है. राइट, मैं अपनी जरूरतों को पूरा करता हूं और सुखी हूं, लेकिन अगर मेरे पड़ोस में कोई बड़ा टेलीविजन या एलईडी या कोई बड़ा फ्रिज लेकर के आ जाता है तो मेरे घर में सुगबुगाहट शुरू हो जाती है कि हमें भी लाना चाहिए, बहुत सुंदर है वो, यू नो, ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली सुबह शाम. सो रिएक्शन इज स्टार्टेड, यानी कहने का मतलब यह है कि अनसैचुरेशन, राइट, और स्टेबिलिटी, हम तब में भी सुखी हैं, लेकिन जैसे यहां पर कोई चार्ज सेपरेटेड कोई कंपाउंड, दिस इज ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड, जब इसके कॉन्टेक्ट में आता है सो दैट रिएक्शन इज स्टार्टेड. तो हमारे लिए कई बार जरूरतों को दूसरों को देख करके इच्छाएं होती हैं और रिएक्शन शुरू हो जाती है. तो यहां पर क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, दिस नेगेटिवली चार्ज ब्यूटाइल एंड ब्यूटाइल कम्स हियर एंड दिस लिथियम कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस आयनिक कलर्ड कॉम्प्लेक्स. दिस इज कलर्ड कॉम्प्लेक्स, दिस इज द कलर्ड कॉम्प्लेक्स, क्लियर. नाउ दिस इन द सेवंथ, सेवंथ में क्या है, दिस इज टी एम ई डी, दिस इज टेट्रामिथाइल इथाइलीन डायमीन. बच्चों बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका, कैसे लिखेंगे इसको हम, ये फॉर्मूला हमारा बहुत किसका हो गया, दिस इज द बाइडेंटेड लिगेंड. हम इसको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ये होता है इस तरह से बाइडेंटेड लिगेंड, राइट, इथाइलिन डायमीन. अब बच्चों क्या होता है यहां पर कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन है इसको हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, मिथाइल ग्रुप से, राइट, दिस इज टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डायमीन. बहुत सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डायमीन, राइट. तो यहां पर बच्चों ये फॉर्मूला मैंने लिखा है Me2 N, ये क्या है, CH3 hold twice, Me2 1 2 N, फिर लिखा है CH2 hold twice, Me2 N CH2 hold twice, और फिर लिखा है N Me2 N Me2, राइट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इस चीज को. ये क्या करता है, एल्किल लिथियम के साथ एक क्या बनाता है, अडक्ट. बच्चों एक तो होते हैं सिंपल सॉल्ट और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं सिंपल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, राइट. यहां पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, दिस ब्यूटाइल लिथियम रिएक्ट विथ टी एम ई डी टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डायमीन, दिस इज फॉर्म एज ए अडक्ट, राइट, दिस अडक्ट फर्दर रिएक्ट विथ दिस बेंजीन, राइट. नाउ हियर रिप्लेसमेंट ऑफ दिस एन ब्यूटाइल विथ फिनाइल ग्रुप, यहां बन गया C4H10 और यहां का एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, ये बन गया C4H9 प्लस ये वाला हाइड्रोजन C4H10 और यहां पर फिनाइल ग्रुप आ गया, किसकी जगह, इसकी जगह. देखो बेटा ये C6H6, यहां पर ये C6H5 तो यहां पर आ गया, इसकी जगह जिसको कहना चाहिए एक्सचेंज, है ना. यहां पर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक ग्रुप का एक्सचेंज हो रहा है. यहां पर मैंने आपको प्रिपरेशन में रिएक्शन मेथड ऑफ सिंथेसिस में बताया था, हाइड्रोजन हैलोजन एक्सचेंज, मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शंस. तो यहां पर इस एन ब्यूटाइल की जगह फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, राइट,
and formation of this type of atom, right? And यहां पर इसका formation होगा, right? अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये जो बना है यहां पर, this is phenyl lithium and TMED, it is a adduct, right? This is phenyl lithium with tetra methyl ethylene diamine. ये किससे कर रहा है? इथाइलिन के साथ. बच्चों देखो C2H4, ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, कितना है? N, यानी अनकाउंटेबल नंबर. N कितना भी नंबर हो सकता है यहां पर. इसके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो यहां पर क्या होता है? C6H5, उसके बाद C2H4 होल N एंड देन Li एंड TMED. राइट, फर्दर दिस C6H5 होल C2H4 होल N Li TMED. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इसको, देखो बच्चों C6H5, ये जो इथाइलिन है इस पे अनसैचुरेशन है, इट कम्स हियर, राइट? ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 होल N, हमने यहां पर लिया है. यानी बहुत सारे मोल लिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन की रिएक्शन यहां पर हो रही है, राइट? तो यहां पर इसका फॉर्मेशन होगा एंड दिस फर्दर रिएक्ट विद अगेन C6H6. दिस अगेन फर्दर रिएक्ट विद बेंजीन, क्योंकि बच्चों यहां पर देखो बेंजीन की रिएक्शन है. तो दिस अडक्ट रिएक्ट विद बेंजीन एंड फर्दर व्हाट इट गिव्स ए पॉलीमर. दिस इज C6H5. नाउ दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, बच्चों देखो इससे बनेगा C6H5 C2H4 होल एन एंड देन अगेन C6H5. और रिमूवल क्या होगा यहां पर होगा देखो एक C6H5 तो यहां आ गया, फॉर्मेशन ऑफ दिस पॉलीमर, राइट? एंड यहां पर एक जो बचा C6H5 Li, और बाकी रिमेनिंग यहां पर बचेगा C6H5 Li TMED, राइट? एंड दिस इज द पॉलीमर. यहां पर मैंने इसमें ये मेंशन किया है इस पूरी रिएक्शन का एसेंस, कि यहां रिएक्शन एक में बना उत्पाद ये जो बनता है अडक्ट, ये अडक्ट बेंजीन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, इथाइलिन के साथ संयुक्त होकर पॉलीमर बनाता है. बच्चों यहां पर एन ब्यूटाइल लिथियम की टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डायमीन, 1, 2, 3, 4 टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डायमीन के साथ रिएक्शन करता है और यहां पर यह अडक्ट फॉर्म होता है. दिस अडक्ट फर्दर रिएक्ट विद बेंजीन. नाउ दिस एन ब्यूटाइल रिप्लेस बाय C6H5 एंड फॉर्मेशन ऑफ C4H10. यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगा इट कम्स हियर. नाउ दिस फर्दर रिएक्ट विद इथाइलिन एन, सो दैट C6H5 होल C2H4 C6H5 होल C2H4 होल N LiTMED एंड दिस फर्दर रिएक्ट विद बेंजीन. यानी बेंजीन के अंदर इसकी रिएक्शन हो रही है और यहां पर इस तरह का पॉलीमर फॉर्म होता है C6H5 ब्रैकेट में CH2 डबल बॉन्ड CH2 होल N C6H5 एंड इट इज ए पॉलीमर. यहां पर एक बहुलक का निर्माण होता है. तो मैंने यहां मेंशन किया है कि रिएक्शन एक में बना उत्पाद अडक्ट बेंजीन की प्रेजेंस में 1, 2 किससे रिएक्शन करता है? इथाइलिन से, और फॉर्मेशन पॉलीमर फॉर्म करता है. दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन. दिस इज TMED, टेट्रामिथाइलिन इथाइलिन डायमीन. ओके, नाउ फर्दर हम देखते क्या है, ये जो पॉलीमराइजेशन बच्चों होता है, ये जो पॉलीमराइजेशन होता है इसको हम किस तरह से देखते हैं यहां पर, कि यहां पर एल्काइल लिथियम वी आर यूजिंग. दिस इज द एल्काइल लिथियम. सो व्हाट गोइंग ऑन हियर अगेन दिस एल्काइल लिथियम रिएक्ट विथ आइसोप्रीन. दिस इज द आइसोप्रीन. बच्चों दिस इज यहां पर H होगा, दिस इज 1, 2, 3, 4 1, 3 ब्यूटाडाइन एंड दिस इज द आइसोप्रीन. मैंने बच्चों इस रिएक्शन को एल्काडाइन BSc पार्ट फर्स्ट में
पॉलीमर करके मैंने एक लेक्चर बनाया है 6th या 7th नंबर का, उसमें बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया है। दिस आइसोप्रीन व्हेन रिएक्ट विद एल्काइल लिथियम इट विल फॉर्म, ये दोनों CH2 ऊपर हैं यहां पर। बच्चों देखो ये क्या होगा, बेसिकली यहां पर मैंने बॉन्ड दिखाया हुआ है, ये बॉन्ड मैंने दिखा रखा है यहां पर, ये फर्दर और ये सिंगल यूनिट है, दिस इज द सिंगल यूनिट, ये फर्दर और यूनिट के साथ जुड़ रही है। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, दिस इज द बोट फॉर्म, दिस इज द चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म इज द ट्रांस, बोट फॉर्म इज द सिस, राइट। यहां पर ये जो फॉर्मेशन होता है ये होता है रबर फॉर्मेशन। अब बच्चों ये जो सिस फॉर्म होता है रबर का, यहां पर ये जो बोट फॉर्म है, यहां जो सिस फॉर्म है रबर का, ये कहलाता है हेविया। हेविया इज व्हाट, इज द नेचुरल जो लेटेक्स होता है, इज द हेविया, दिस इज द इन द सिस फॉर्म। व्हाइल ये जो ट्रांसफॉर्म होता है, ये जो यहां पर ट्रांसफॉर्म होता है, इसमें हम क्या देखते हैं यहां पर, लाइक दिस, दिस इज द सिंगल यूनिट, दिस इज होल एंड, नाउ दिस रबर इज द ट्रांस एंड दिस इज कॉल्ड गाटा पचा। ये गाटा पचा इज व्हाट, इट इज ए, ये सोपोटेसी फैमिली है, प्लांट है किस फैमिली का, सोपोटेसी का, राइट। तो ये जो रबर होता है ट्रांसफॉर्म, ये इस फैमिली का, फैमिली के प्लांट से निकलता है, सोपोटेसी, राइट। तो आप ध्यान रखना बेटा कि ये हेविया इज द सिस फॉर्म, दिस इज द चेयर बोट फॉर्म, व्हाइल दिस इज द चेयर फॉर्म। हमने मैंने और मैं आपको आपसे मेरी वो है कि बीएससी पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काडाइन्स का एक लास्ट जो 6th नंबर या 7th नंबर जो लेक्चर है, उसमें मैंने पॉलीमराइजेशन के बारे में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ये वही रिएक्शन है। नाउ हम क्या देखते हैं कि एल्काइल और एलाइल लिथियम, लिथियम के हैलाइड्स, यहां पर दिस एल्काइल लिथियम एराइल लिथियम, मैंने कॉमन लिखा यहां पर, दिस इज इथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम, फिनाइल लिथियम, दिस रिएक्ट विद व्हाट, दिस इज होल्ड वाइज, जिंक प्लस टू होता है, मैंने शुरू से ही कहा है जितना मेटल की वैलेंसी होगी उतने ही उस पर लिगेंड लगे हुए होंगे, सो दैट दिस इज डाइथाइल जिंक। यहां पर एल्काइल और एराइल लिथियम, लिथियम के हैलाइड्स और डाइथाइल जिंक के साथ क्रिया करके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं, यहां पर इनके साथ रिएक्शन होती है, सो दैट यहां पर बच्चों देखो एलाइल ये यहां पर क्या है, दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी, ये आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अच्छी तरह से पढ़ा है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट। तो यहां पर क्या होता है, दिस इज Zn प्लस टू Li प्लस वन, सो दैट दिस एल्काइल कितना है, थ्री, टू एंड वन, प्लस वन प्लस टू, टोटल नंबर थ्री। हियर लिथियम, लिथियम बच्चों दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट। यहां पर ये सिंपल कंपाउंड्स हैं जो फॉर्मेशन होती है, दैट दिस इथाइल लिथियम रिएक्ट विद, दिस इथाइल लिथियम रिएक्ट विद LiBr लिथियम ब्रोमाइड। नाउ हियर फॉर्मेशन ऑफ, ये जो ब्रैकेट में बच्चों है, दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी, है ना। ये हम वर्नर्स थ्योरी जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्सेस आपने पढ़े हुए हैं, 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े हुए हैं, बीएससी पार्ट सेकंड में भी आपने इसको डिटेल में पढ़ा है, बीएससी पार्ट सेकंड में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की पूरी यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आपको तो यहां पर सिर्फ ये देखना है लिथियम एंड लिथियम, ये प्लस हो गया, दो दो प्लस का मतलब एक माइनस ये और एक माइनस ये, राइट। कॉम्प्लेक्स इज बैलेंस्ड। हियर फिनाइल लिथियम, नाउ दिस फिनाइल लिथियम रिएक्ट विद डाइफिनाइल मैग्नीशियम, नाउ फर्दर Li2, दिस इज Li2 Mg C2H5, this is not C2H5, this is C6H5, this is C6H5 बच्चों, क्योंकि जब हमने C6H5 लिया है तो कैसे पॉसिबल है, ये चीजें देखो बच्चों, ये दृष्टि भ्रम हो जाता है कई बार लिखते समय, आपको केयरफुल रहना है, अगर आपको अच्छी तरह से आता होगा और आपने समझा हुआ है आप इमीडिएटली अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लेंगे, नंबर एक। नंबर दो, हमेशा जब भी आप अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लें और आपके 10 मिनट बचते हैं तो एक सरसरी नजर से एक बार कॉपी को आप जरूर देखें,
ये जो मैं छोटी छोटी एक दो मिस्टेक्स को रिमूव कर रहा हूं, राइट, ये मैं जब आपको अच्छी तरह से बता रहा हूं तो मैं, मुझे चूंकि पता है इस चीज का, तो हम इस चीज को रेक्टिफाई कर रहे हैं। यहां पर Li2 मतलब 2 प्लस Mg, ये भी 2 प्लस मतलब 4, यहां पर हमने लिया है 4 लिगेंड, सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नाउ हियर द स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल लिथियम। यहां पर बच्चों एल्काइल लिथियम के अणु में सैगुणित, यहां पर सैगुणित का मतलब ये होता है बच्चों कि जो लिक्विड होता है, हम जो मैटर होता है आइदर इन द सॉलिड स्टेट और इन द लिक्विड स्टेट और इन द गैसियस स्टेट, राइट, यहां पर ये जो कंपाउंड्स होते हैं दीज आर द, ये सब कैसे होते हैं, सैगुणित अवस्था में होते हैं, राइट, यहां पर ये सैगुणित अवस्था में होते हैं। तो यहां पर बच्चों क्या होता है कि मिथाइल लिथियम की संरचना एक टेट्राहेड्रॉन के रूप में होती है, दिस इज CH3 Li होल 4। तो इस संरचना में लिथियम टेट्राहेड्रल फॉर्म में जुड़े होते हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करो कि हम यहां पर एक, दिस इज द क्यूब, ये जो मैंने बनाया है ये वाला है, राइट, अब देखो बेटा इसके अंदर क्या हो रहा है, यहां पर इसके अंदर हम क्या देखते हैं, ये लिथियम, तो ये कौन से लिथियम है, इसको हम ऐसे पकड़ते हैं इसी तरह से इसको, यहां पर ये लिथियम कौन से वाले हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट, और नीचे वाले में कैसे हैं, ये वाला और ये वाला, आप ध्यान से देखो इसमें, ये जो मैं डिब्बा मैंने पकड़ा हुआ है, चौकोर डिब्बा है चौक का, इसमें 1 और 2 और नीचे वाले में 3 और 4, राइट, कैसा हो गया यहां पर, इस तरह से, यहां पर इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर, यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा लाइक दिस। यहां पर देखो बेटा 1 2 3, दिस इज 1 2 और 3, आप देखिए यहां पर 1 2 3 1 2 3, और ये वाला, ये जो दूर जा रहा है, ये वाला क्या हो गया, दिस इज द फोर्थ वन, राइट, मतलब मैं आपको एक बार फिर बताता हूं इसको, हम इसको जब पकड़ते हैं इस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, क्यूबिकल स्ट्रक्चर, जो टेट्राहेड्रल फॉर्म बताया है मैंने आपको, यहां पर क्या हो रहा है 1 2, तो नीचे वाले में दिस इज 1 और 2, तो नीचे वाले में लिथियम, ये वाला लिथियम और ये वाला लिथियम, यहां पर दिस लिथियम, नीचे वाले में ये लिथियम और ये लिथियम, राइट, तो इस तरह से टेट्राहेड्रॉन के अंदर हम कैसे कह देते हैं, लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर, राइट, तो यहां पर ये जो मिथाइल लिथियम या इथाइल लिथियम ये इस शेप में, इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर, थैंक यू।